Mi kiuta oi. Teraile. Bagardan sa. Ay, ut chhanara. Bye kachu. Din kosto cha? Din kosto cha? Din adaraulo cha. Good morning. Mera chori. Chuchu. Anita. Utha bunu. Usma utha bhayos. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. If you guys are new, namaste sabhi jan raha hai. Aaj ke mere YouTube video mein aapka phir se ek baar swagat hai. Namaste sabhi jan ko. Aaj ke mere YouTube video mein aapka phir se ek baar swagat karti hu. तो आज का दिन तो एकदम अच्छे से जा रहा है. मैं सुबह आज आई थिंक सबसे जल्दी उठी. आई वोक अप अराउंड 7:30. अभी हो गया 8:30 बिकॉज इधर उधर करते, ब्रश वगैरह करते, वॉशरूम यूज़ करते, टाइम बीत गया इधर उधर बात करते. और अभी वेदर अभी तक बहुत अच्छा था पर फॉगी लग रहा है, आप देख सकते हो. धीरे से आएगा और सब फॉगी फॉगी हो जाएगा. पर कोई नहीं, आज तो हमारा प्लान है कि शाम को हम आफ्टरनून में हम सिलीगुड़ी जाएंगे बिकॉज बहन को जाना है, वहाँ पर रहना है एक दो दिन के लिए. एक दो दिन ने आज के लिए कल रात को आ जाएंगे. उसको केएफसी वगैरह जाना है तो हमने सोचा चले ही जाते हैं बिकॉज यहाँ पर भी केएफसी वगैरह नहीं है, इसलिए कभी भी खाने का मन करता है तो जाना पड़ता है. और मैं भी आई हूँ इसलिए जा रही हूँ. आंटी को भी बुलाया था, आंसू को, मम्मी की बहन को, पर वो ना थोड़ा बिजी, अभी दुकान खोला है तो इसीलिए थोड़ा बिजी हो गई. अभी भी खुला है, आई थिंक एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, इसीलिए अभी भी नया दुकान खुला है तो कैसे छोड़ के आएगी ना, तो इसीलिए नहीं आई. वरना प्लान था कि उनके साथ जाएंगे. कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम उनके साथ चले जाएंगे. आज मैं, मम्मी और बहन जाएंगे, डैड भी जाएंगे. वॉशिंग मशीन भी खरीदना है बिकॉज हम लोग का बिगड़ गया है और वो बोल रहे थे कि 6,000 लगेगा बनाने के लिए. तो इससे अच्छा हम नया ही खरीद ले. और हम लोग का टॉप लोड था, हम लोग को फ्रंट लोड वाला खरीदना है जहाँ तक हो सके. तो देखते हैं क्या होता है. डैड भी जाएंगे पर रात को आ जाएंगे वो, क्योंकि सुबह दुकान खोलना पड़ता है. दुकान ऐसे बंद नहीं रख सकते इसलिए वो आएंगे और हम शाम को आएंगे. मिलते हैं. नो फेस नो केस. गाइस मेरा हाफ पैंट देखिए कैसा है, बाप रे कैसा है मेरा. नहीं है ये गाइस मम्मी का ही है. पिंपल्स थोड़ा आया था यहाँ पर जा रहा है. वी सो रही हूँ ना टाइम में. कर अ प्लेस सेफ, नो फेस नो केस. वेस्ट ही नहीं है, खरीदो. आप खरीदने से कुछ नहीं देती है मुझे. गाइस ये है किनेमा, जो मैं वहाँ पर खाती वो सूखा हुआ रहता है, ये तो फ्रेश है, मम्मी ने दुकान से लाया है. इतना मज़ा अच्छा नहीं ऐसे. ओ नहीं नहीं अच्छा है ऐसे करने इतने ना, ये जो वेब जैसा है ना वैसा दिखना चाहिए. पर और आता है, आज का नहीं है ये वाला है सही वाला किनेमा. वाह, आज बनाएंगे किनेमा और खाएंगे. आप लोगों को किनेमा का मतलब तो पता ही होगा, मैं वीडियो में बहुत खाती हूँ. ये नेपाली का एकदम एकमात्र डिश है. देखिए वाह अच्छा वाला है, खाएगी आज. चाय कसला है यो दुकान को केटालाई भाई को बना रही है. और यहाँ पर कल मैंने बनाया था चिकन फ्राइड राइस, वो बन रहा है, वो भी देंगे. पर इतना अच्छा नहीं बना पता नहीं क्यों. कौन बन रहा दूध बन दी, प्योर दूध हो गया है ना. प्योर दूध कहाँ बोल रहेगा भन्न, प्योर दूध है. देखा है गाइस, देखिए इसका तर्क, देखिए चीनी कम थाल दिन आज को डाइट बिहान बिहान नानी काम कति कर.
यो मै खान्छु अनि पानी आछ नै भएर पानी भ्यादो कुन कुरा मम्मीले खाए के तँ खाजा किन नि मोरा बासी म न अबे कोड पानी खान्छु हो किनामा पकाएर चाहिँ बासी भइन्छु नि त क्रिमोल चाहिँ नै नै मिल्दा छ मम्मी को छ पिरो छ हुन्छ मिलाल दे बास दा कामले गर्नुछ कामले लिएको यो मार्केटिङ वाला पर्छ जान सुनुडी हैन नि हो मेरो सेकेन्ड लेभलको छ यो खादै छ भात खाइसके यसले डरले यसले यो खादै छ अझै कस्तो मिठो है मलाई त मिठो लाग्यो रुम रुम 25 रुपीस भाई तला हे ना भिडियो कर भिडियो कर लगे भिडियो में एमे किंग किनेमा 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 यहाँ पर हो रहा है अनीश फ्राई ये मम्मी का भी फेवरेट है मम्मी ने बोला कि मुझे बना लो बोल के इसी में बना रही मुझसे भी ज़्यादा तो ना मम्मी को पसंद है ये खाना पर ना मम्मी बोल रही थी कि तुम्हारा वीडियो देखा था और तुमने बहुत अच्छे तरीके से वो एकदम थिक वाला बनाया था तो मुझे भी वैसा ही करके बना के खाना है तो तुम बना दो बोल के वरना तो मम्मी भी बहुत खाती है किनेमा और बहन को भी पसंद है और पर मैं आज मेरे स्टाइल से बना रही हूँ मेरा स्टाइल तो क्या होता है थोड़ा अनियंस और टोमेटोज ज़्यादा डालने का और तो कुछ नहीं है मेरा स्टाइल और मम्मी ना पतला सा खाती है एकदम पतला सा सूप जैसा खाती है तो थोड़ा मोटा बनाती है वही है डिफरेंस वरना प्याज टमाटर तो मम्मी भी डालती है किनेमा में तो या ज़्यादा ही बोलायो मम्मीले भात कड़ा न कड़ा बनाई कि बेसी फ्राई कर अनिशा खा खान नजानु दुई बजी हम बस बस मेहनत तैयार भाग अरे हाल दे अरे सामान साँची नहीं एक दिन ये दे रहे हम हमारा भाई को यहाँ पर मैं आई थी बाजार अब मैं जा रही हूँ घर वाओ आई लाइक दिस काइंड ऑफ वेदर सुबह सुबह तो इतना फॉगी था अभी वेदर अच्छा है देखिए आई लाइक दिस काइंड ऑफ वेदर गर्मी भी नहीं ठंड भी नहीं ब्लैक क्लाउड्स बट देन दिन एकदम उजाला सा See, it's so nice. And वो है मेरा pretty home. मम्मी जहाँ काम करते सा, सामान जाते सा. खोया आ चल मम्मी. हाँ हाँ ऐसा कुछ बात आ गई. हाँ हाँ ऐसा कुछ बात. यहाँ पर dental clinic है. ये नहीं यहाँ डेंटल क्लिनिक है और यहाँ पर ऊपर मेरा घर छूट है इसे देखा ही होगा मेरा बहन ने मुझको झूठ बोला मैं उसका खैर नहीं ओए साथ में मार डांटस साले डांट भी डांटस साला मुझे अपने हेयर चाउ देना हो मार डांट भी भाग रही थी ये बनी चलाल दलाल भाग रही थी ये पता है ना गाइस खा रही हूँ बहुत चिप्लो है वरना जो मैं वहाँ पर खाती हूँ वो तो
सूखा हुआ रहता है ना, तो फ्रेश है। इसका तो गंध भी ज़्यादा आता है और बहुत चिपचिपाट जैसे चिपल जाता है, मतलब क्या बोलूँ उसको, स्लिप हो जाता है। नेट मेरा ही नहीं चल रहा है, आप क्या हो रहा है पता नहीं, आज मेरा नेट ही नहीं चल रहा है, ई दिखा रहा है ऊपर। पहले तो चलता था 4G चलता था, लास्ट टाइम ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ था एयरटेल का, पर टेक्स्ट वगैरह तो सारा आ रहा है। एक दिन तक हुआ था लास्ट टाइम भी, पता चला सब एयरटेल जो जिसका सिम है उनका ही नहीं चल रहा है। आज भी आई थिंक वैसा ही हो रहा है, वरना एयरटेल अच्छे से चलता है यहाँ पर। वाईफाई लगाना ही पड़ेगा घर में, मैं इन लोगों को बोल रही हूँ, मम्मी लोग को लगा ले पर मानता ही नहीं। मजाक करे वही लोग बोल रहे कि लगा लूँगी वो, कि बिकॉज अभी चाहिए घर में रहने से बोरिंग होता है ना, और हम लोग टीवी भी नहीं देखते हैं ज़्यादातर, यूट्यूब भी देखते हैं सब लोग, तो इसलिए वाईफाई का अता पता कर रहे हैं, वाईफाई लगा लेंगे। जिंदगी झंड हो गया है, चलता है नॉर्मली, पर कभी कभी नेट भी तो बहुत चाहिए दिन भर, क्या है दुकान में रहे और इधर उधर वाईफाई या तो यूट्यूब में अच्छे से देख पाएंगे ना, वरना तो देख भी नहीं पाएंगे। मैं भूल ही गई थी फ्रेश रखने में ऐसा होता है, बोल दिया मैं तो वो सुखाया हुआ खाया, खा के एयरपोर्ट और डल्ले खोर्सानी भी नहीं है तो चलता है, ये लामचे खोर्सानी इतना तीखा होता है। चेन्नई का तो लगता है कि बीन्स जैसा होता है, इतना लंबा लंबा मोटा मोटा और तीखा एक भी नहीं, यहाँ का तो बाकी बहुत तीखा।